तस्वीरें इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करते हुए दीक्षांत समारोह के दौरान यहां पे दो छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। और तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शुभकामना देता हूँ इस संस्थान का आप नाम रोशन करेंगे। साथ ही अभी जिस रिसर्च के बारे में बात हो रही थी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, आप बीटेक हो जाएंगे, एचटेक हो जाएंगे, पीएचडी हो जाएंगे, कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान ही रिसर्च। आप देखिए 200 साल पहले दुनिया कैसी थी और 200 साल बाद दुनिया कैसी है। जब तक कि न्यूटन ने उल्लेख हुआ था कि सेल क्यों नीचे आता है, यहाँ से जो शुरुआत हुई वहां से लेकर आज तक, जब आप फिर मुट्ठी दुनिया को मुट्ठी में आप लेके चले, मोबाइल में सब कुछ है, इन 200 सालों में जो विज्ञान ने तरक्की की है उसके कारण से जीवन बहुत आसान हुआ है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सुविधाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में कहें। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी, आज वैज्ञानिकों ने खोजा, सारी चीज हाइब्रिड आप देखेंगे, उत्पादन बढ़ा है, दुनिया के अनाज की आवश्यकता पूरी की, यातायात की सुविधाएं आप सबके विज्ञानिकों विज्ञानियों के लिए दिए। चिकित्सा क्षेत्र में आप देखें आजकल हार्ट तक रिप्लेस हो रहे हैं, घुटने तो पहले रिप्लेस होते थे लेकिन अब दिल भी बदल रहे हैं। ज्ञान का ही चमत्कार है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी चुनौतियां हैं। आज कुछ साल पहले तक के ये कहा जा रहा था पानी पी खान के गुरु बनाए जाएंगे, लेकिन आज पानी हम बोतल में ले जा रहे हैं, तो जाते हुए नदी पानी पी नहीं सकते, पता नहीं क्या हो जाएगा। तालाब में तो आप नहाने के बाद छोड़ दीजिए, हाथ में भी पानी ले तो आपकी चर्म रोग हो जाएगा। आज प्रोफेसर सुरेश जी आए हैं दिल्ली से, हम सबके सामने में बोतल बंद पानी है। अब अगला जब दिल्ली से कोई आदमी आएगा उसके सामने ऑक्सीजन का बोतल भी रहेगा। प्रदूषण इतना कि जिन्हें मुहार हो गया है। ये विज्ञान की तरक्की के साथ साथ इस परेशानियां साथ मिला रही है। हम यहां बिजली उत्पादन करते हैं छत्तीसगढ़ में, कोयला उत्खनन करते हैं, उसको जलाते हैं, फ्लाईएश का ढेर लगते जा रहा है, और ढेर लगने के साथ साथ उसकी तस्वीर डिस्पोजल करना एक समस्या, और उसी के साथ साथ जो ढेर में जितने भी जमीन से निकाले हैं उसमें जो हैवी मेटल्स है वो इस रेस के जमीन में जा रहा है, पानी में मिल रहा है, हमारे अनाज मिल रहा है, उसके कारण से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है,
अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में कोई खोज नहीं की कि हैवी मेटल्स हमारे पानी में या भिलाई स्टील प्लांट में जितने फ्लाई एश निकल रहे हैं, रायपुर में जितने इंडस्ट्रियल एरिया से जो पानी निकल रहा है, जो कचरे निकल रहे हैं, या रायगढ़ में या कोरबा में, इसका परीक्षण हम लोगों ने नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, यदि रिसर्च करना है सबसे पहले काम यही रिसर्च करिए जितने फ्लाई एश निकाल रहे हैं और ढेर लगे हैं उसमें जो आस पास के जो हमारे वाटर बॉडी है उसमें कितना आपके हैवी मेटल्स, ये रिसर्च करिए जो पानी हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरा रिसर्च आजकल पराली से सब परेशान है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, रोज इंस्पेक्टर पास कर रहे हैं, एफ आई आर करिए चीफ सेक्रेटरी को, उसके लिए जिम्मेदार होंगे ग्राम के प्रधान सरपंच तो होंगे ही लेकिन चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। आज हम लोगों ने कहा कि हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है, अनाज उत्पादन करना है, फल उत्पादन करना है, सब्जी उत्पादन करना है, हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब उत्पादन करना अपराध हो रहा है, धान उत्पादन करेंगे तो पराली पैदा तो जलाएंगे, पैरा भी होगा, अब पैरा उस धान के बाद आपको तुरंत गेहूं बोना है। आप अपने लिए एसी रख सकते हैं लेकिन खेत में एसी की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि गेहूं जो है यदि टेम्परेचर बढ़ा गेहूं उत्पादन कम हो जाएगा। हमारे यहाँ विंटर सेशन बहुत कम होता है, मध्य दिसंबर और जनवरी तक दो महीने, लेकिन आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वो ड्यूरेशन लंबा होता है, तो वहां उत्पादन ज्यादा आता है गेहूं का, हमारे यहाँ कम होता है। वो लोग होते हैं, हम लोग अपने घर के उपयोग नहीं करते। अब उसके धान के बाद तुरंत गेहूं बोना है, समय उसके पास 15 दिन है, उस बीच में उस पराली का भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसान सरकार को तय कर देते कि एमएसपी का आपको इतना असर मिले, आम आदमी को चावल है गेहूं है अनाज है सस्ता मिलना चाहिए। बचत चीज के लिए उत्पादक तय करता है उसका रेट क्या हो, मैं बीमारी करता हूं तो उसका रेट मैं तय नहीं करता, उत्पादक तय करता है जो उत्पादन करता है, लेकिन किसान नहीं कर सकता तय। उसको धान किस रेट में बेचना है, गेहूं किस रेट में बेचना है, कि पपीता किस रेट में बेचना है, कि अंगूर किस रेट में बेचना है, ये हम तय नहीं करते, सरकार तय करती है, ग्राहक तय करता है। लेकिन जितना पैसा मिलता है उसमें पराली की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो सीधा माटी ले जाता है, उसी का लगता है जो भी जला हुआ। ये कि हरियाणा और पंजाब के किसानों आग लगा दी, और पहली बार तो नहीं लगाया, हर साल लगाते हैं, हर साल इस समय सारे मीडिया में रंगा भरा पड़ा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की मीडिया तो दिल्ली नहीं रहती, क्योंकि समस्या दिल्ली में ज्यादा है, जहां आग लगती वहां समस्या नहीं होगी। मैं समझता हूं जब पंजाब में आग लगा रहे किसान तो पंजाब में प्रदूषण नहीं होगा, हरियाणा में आग लगा रहे किसान वहां हरियाणा में प्रदूषण नहीं होगा, दिल्ली में प्रदूषण है, चर्चा दिल्ली प्रदूषण की हो रही है तो प्रदूषण जीना बहुत कठिन। आप दो दिन रहकर आइए, आपको यदि दमा के आपकी बीमारी है तो सोचे आपको हॉस्पिटल ही पहुंचे। लेकिन मानव जीवन के सामने इस कीमत में पराली की व्यवस्था करना कहीं आसान है। मैंने सजेशन दिया कि भाई जमीन से, यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बैठे हैं, धरती से जो चीज ले रहे हैं यदि उसको किसी किसी रूप में वापस नहीं करेंगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। आप अनाज ले लिए उसके बाद जो पराली है पैरा है यदि उसको आप दूसरे रूप में उसी खेत में नहीं डालेंगे तो आपकी उर्वरा शक्ति खत्म होती जाएगी। कंपोस्ट खाद बना दीजिए, वर्मी खाद बना दीजिए, उसे और किस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं आप लोग की जिम्मे छोड़ता हूं। कैसे उसको सस्ते ढंग से बिना प्रदूषण फैलाए वो खेत में ही खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, एक चुनौती हमारे सामने। हमारे पानी शुद्ध होना चाहिए, चुनौती हमारे सामने।
हवा शुद्ध हो, ये चुनौती हमारे सामने है। इन चुनौतियों को आपको स्वीकार करना है और इस चुनौती को से घबराना नहीं है। चुनौती को स्वीकार करके उसे सौभाग्य में बदलना ही पुरुषार्थ कहलाता है। ये चुनौती आज पूरे हिंदुस्तान के सामने है और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान में जमीन की कमी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन सिकुड़ती जा रही है, लोगों का आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा है। हमारे पास जितनी जमीनें हैं उस हिसाब से लोगों की संख्या कम है। हमारा केरला बस्तर ही मतलब केरल से बड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ बड़े राज्य जिसके हम कहते हैं जनसंख्या के आधार पर उससे भी बड़ा है, चाहे तमिलनाडु हो चाहे पंजाब वगैरह बहुत छोटे हैं। हम बिहार से भी पड़ेगा भौगोलिक दृष्टिकोण से। हमारे पास जमीन है, संभावना है, हमारे पास बहुत है। 40% जंगल है और जंगल में माइनर फॉरेस्ट भी हुई है, उसका उपयोग किस प्रकार से हो, ज्यादा से ज्यादा कैसे उससे हम उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकें तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर भी सुधरेगा। यही इस अवसर पर आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा। पुनः आप सबके सामने एक नया नई ऊंचाई है, नया आकाश है, सिलसिला आकाश है। जितना आप उड़ान भर सकते हैं पूरी संभावनाएं आपके साथ हैं और छत्तीसगढ़ सरकार भी आपके साथ है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। तो डॉक्टर एसपीएम ट्रिपल आईटी यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 59 छात्रों को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिनमें से 2 को गोल्ड मेडल और 4 छात्रों को सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री में आपको बता दें, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम में। खास तौर पर विशेष अतिथि के रूप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। बोलिए, इतना ही।